गुड मॉर्निंग, मेरा नाम दीपक है। मैं सती ट्रेवल्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के 6 बज चुका है, हम लोग निकल चुके हैं अपनी ड्यूटी की तरफ। आज की एक्टिविटी कैसी रहने वाली है, आप बने रहिए हमारे साथ, फॉलो कीजिए हमारा चैनल और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। दोस्तों, अभी सुबह के 6 बज चुका है, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा देख सकते हैं पूरे हल्द्वानी का, और काफ़ी सुहाना मौसम बोलते हैं इसको, मज़ा आ रहा है इस मौसम में। लेकिन अब सीजन धीरे धीरे डाउन होता हुआ, तो अभी थोड़ा सा सफाई करने का टाइम आ गया है, गाड़ी की थोड़ा सफाई कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखा जाएगा। थोड़ा सा गाड़ी की सफाई हो जाए तो उसके बाद काम करने का मजा ही कुछ और है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि एक बार जब सफाई हो जाती है मॉर्निंग में, तो बस वही सफाई होती है पूरे दिन में। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं भोटिया पड़ाव टैक्सी स्टैंड हल्द्वानी, और हल्द्वानी में कैसा सीज़न चल रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, ये मैं आपको थोड़ी देर में लाइव अपडेट करके दिखाऊंगा। क्योंकि मैंने जहां तक देखा है कि पिछले महीने से ले करके इस महीने तक का जो अपडेट है वो ये था कि नॉर्मली स्थिति में काम चल रहा है, और अभी आप देख सकते हैं कि अब टोटली टूरिस्ट का आना थोड़ा कम हो गया है, अब लोकल आदमी इधर नैनीताल में ट्रैवल कर रहा है। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। सनी भाई ऑफिस खोलने की तैयारी में है, ये ऑफिस का गेट खुल गया है, यूनियन बूथ टैक्सी स्टैंड हल्द्वानी, ये गेट खुल गया, ओपनिंग हो गई है, गुड मॉर्निंग हो गई है, बहुत बढ़िया। और ये सनी भाई, ये भी बहुत जल्दी आ जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, इनका काम भी बहुत अर्ली मॉर्निंग का है, ये आप देख सकते हैं। आप कभी आइए टैक्सी स्टैंड हल्द्वानी से बुकिंग कराइए। चल चुके हैं टैक्सी स्टैंड भोटिया पड़ाव हल्द्वानी, ये हमारे साथ जो आपको दिख रहे हैं ये हैं शुभम भाई, और अभी हम काम देख रहे हैं कहाँ का टूर इनका बनेगा, कहाँ को ये ट्रैवल करेंगे आज, ये भी आपको लाइव अपडेट में पता चल जाएगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, फॉलो कीजिए चैनल। मशहूर दाल हल्द्वानी आप देख सकते हैं, तो फिलहाल हम आए थे यहाँ दाल खाने के लिए हल्द्वानी कुसुमखेड़ा ऊँचा पुल में, और अभी हमने दाल खा ली है, हम लोग निकल रहे हैं। कैसी लगी आपको हमारी खाने की स्टाइल? आज मंगलवार है और बहुत अच्छा दिन है दाल खाने का। ये हमारे खत्री जी हैं, इनसे आप मिल सकते हैं। ये भाई हमें लेके आए थे यहाँ दाल खाने के लिए ऊँचा पुल में, और अब हम निकलेंगे यहाँ से स्टैंड की तरफ। आपको टूर ऑपरेटर से रिलेटेड अगर कोई सर्विस चाहिए तो सती ट्रेवल्स को फॉलो कीजिए, और मुझसे डायरेक्ट, मैं आपको एक लिंक दूंगा और अपना फ़ोन नंबर दूंगा, उस पर डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। आपको नैनीताल, रानीखेत, कौसानी और मुनस्यारी, अगर कहीं का अगर टूर बनाना है कुमाऊँ रीजन के अंदर, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और मैं आपको पूरा टूर जो है कम्प्लीटली अच्छे पैकेज में दे सकता हूँ विद होटल। भाई लोगों, हम लोग आ चुके हैं नैनीताल। देखिए आप, आज नैनीताल का मौसम बहुत शानदार होता हुआ यहाँ, और बहुत खूबसूरत ये भाई लोग आ रखे हैं सब यहाँ हमारे साथ, सारे भाई लोग आ गए हैं देखो, और आप भी आइए एंजॉय कीजिए। ये देख सकते हैं आप नैनीताल का मौसम, बहुत ही शानदार मौसम होता हुआ यहाँ,
बहुत ही कूल मौसम, ये समझ लीजिए सामने पहाड़ी में कोहरा लगा हुआ है। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये नैनीताल की माल रोड है। इस माल रोड में गाड़ी खड़ी करना अलाउड नहीं है। और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार मौसम यहाँ पे होता हुआ। ये देखिए आप सामने नैनी लेक है जहाँ पे कोहरा हुआ है, और सामने नैना देवी मंदिर है। तो फाइनली मेरा ट्रिप कंप्लीट हो चुका है, मैं अभी अपने रूम पे हल्द्वानी पहुँच चुका हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ट्रिप और मेरा सफ़र, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि अगली वीडियो में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सती ट्रेवल्स को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और जल्दी से जल्दी नैनीताल आइए। थैंक यू।